लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग। पहले फेज में दांव पर कई दिग्गजों की साख, कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। पहले चरण के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। तमिलनाडु की सभी 29 सीटों पर मतदान होना है। यहां पर कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य इस लोकसभा चुनाव से तय होगा। बीजेपी के प्रत्याशी के अन्नामलाई डीएमके और प्रत्याशी कनीमोझी जितिन प्रसाद किरिन और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ऐसे बड़े नाम शामिल है, जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान होते ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को निकलेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रचार में जान फूंक रखी थी। एक तरफ जहां बीजेपी रैली और जनसभाओं में अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, वहीं कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को अपना हथियार बनाकर चुनाव लड़ रही है। कई नेता पहली बार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता ने लड़ाई रोचक कर दी है। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। कोयंबटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। आईपीएस अफसर से नेता बने अन्नामलाई की लोकप्रियता ने विरोधियों की नाक में दम कर दिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही और उसे उम्मीद है कि इस बार अन्नामलाई उसे ये सीट जीत कर देंगे। अन्नामलाई की अपनी लोकप्रियता मोदी का जादू इस बार बीजेपी के लिए रामबाण बन सकता है। यहां के नतीजे उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय करेंगे। अन्नामलाई का मुकाबला डीएमके नेता गणपति पीरा कुमार और एडीएम के नेता संगई रामचंद्र से है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने दूसरी बार पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और इस सीट से सांसद रहे नकुलनाथ को फिर टिकट दिया है। ये सीट कांग्रेस और इस परिवार का गढ़ बन चुकी है। पार्टी यहां से 17 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। इनमें से कमलनाथ या उनका परिवार ही 11 बार जीता है। कांग्रेस को इस बार भी जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। बीजेपी ने पीलीभीत में इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद पर दाव खेला गया है। जितिन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। टिकट काटने के बावजूद किसी तरह की गुटबाजी बीजेपी में यहां देखने को नहीं मिली। हालांकि पीलीभीत सीट में इनका गांधी और वरुण गांधी का गढ़ बन चुकी है, लेकिन यहां कॉर्डर वोट होने की वजह से बीजेपी का दबदबा है, इसलिए जितिन की राह मुश्किल नहीं लग रही। उसका मुकाबला सपा के भगवंत सरन गंगवार और बसपा के अनीश अहमद खान से है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से केंद्रीय मंत्री किरण चौथी बार मैदान में है। उसका मुकाबला कांग्रेस के नबाब तुकी से है, लेकिन रिजू यहां इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी जीत की मंजिल हर साल बढ़ती है। 2019 में बीजेपी को यहां 60% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को मात्र 14 वोट मिले थे। डीएमके ने एक बार फिर टुकटुकी से कनीमोझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में वो यहां से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंची थी। बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीएमसी ने एसडीआर विजय सीलन को टिकट दिया है और उनके मुकाबले खड़े हैं प्रत्याशी हल्के होने की वजह से उनका जितना मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जनता डीएमके से नाराज भी है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।